नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी शुभचिंतक। आप आए मेरे चैनल पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे भगवान शिव की पूजा की, हमारी उन बेटियों से, सभी उम्र की बेटियों से जो बहुत ही निराश और हताश हैं, बहुत सारे उपाय करके थक गई हैं फिर भी काम नहीं बनता और इतनी परेशान है कि मानसिक तौर से कुछ करने का उनका मन ही नहीं करता कि उस ईश्वर का सहारा लें, क्या करें क्या नहीं करें, उनसे बात कर रही हूँ। सभी उम्र की बेटियाँ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने और मैं आज एक बेनिफिट टिप्स देने वाली हूँ आपको। वो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि क्यों भगवान हमारी नहीं सुनते हैं, किस लिए नहीं सुनते हैं भगवान हमारी। अब इतना तो आप जानते हैं कि हमारी जन्म कुंडलियाँ सबकी अलग अलग हैं। जहाँ जब हम दुनिया में आते हैं, जब हमारा जन्म होता है, ना तो हम अपने माँ बाप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, ना दुनिया में आना और जाना हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, ना हम बहन भाई अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, ना हम किस घर में पैदा होंगे, किस के जाति में जन्म लेंगे वो हम चुन सकते हैं, जब हमारी वहाँ कोई मर्जी नहीं है, कोई हमारा तौर तरीका वहाँ नहीं है कि हम अपनी मर्जी से क्या कर सकें। तो जो जन्म कुंडली में शादी ब्याह का मामला है वो भी हमारी मर्जी का नहीं है। तो आप इस एक तो इस बात से संतुष्ट हों कि ईश्वर ने हमें वो ही सब कुछ दिया है जो हम करते हैं, जो हमने किया है, जो भी कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं तो अच्छा, बुरे किए हैं तो बुरा। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी उम्र आते ही झटपट हो जाती है, चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। आप बताइए उनका कैसे हो जाता है, उनके जो अच्छे किए होते हैं वो उनके सामने आना शुरू हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो पता नहीं किस जन्म का कब हमारे सामने कब क्या आता है, और अन्यथा हम इस तरह से क्यों भुगत रहे होते हैं। तो आप इस बात से निराश ना हो, हताश ना हो। सभी उम्र की कुंवारी बेटियां जो भी हैं वो शीघ्र मनचाह जीवन साथी उनको मिलेगा। और मैं भगवान शिव से, बाबा शिव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी बेटियाँ जो हैं वो इतने उपाय करती हैं और जब उनका जन्म कुंडली में उनके जोग संजोग जुड़ रहा होगा तो उस वक्त झटपट उनको बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। अब बात करती हूँ कि आपको पूजा किस तरह से करनी है। एक तो सबसे पहले ये बता देती हूँ कि मम्मी लोग भी इस पूजा को कर सकती हैं अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए कर सकती हैं। वो बच्चों के नाम का संकल्प लेकर वो पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ। अब सोमवार आता है जिस दिन पूजा करनी है, एक ही बार करनी है, एक ही दिन करनी है। आप ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि एक ही दिन एक ही बार में किस तरह से करें। सोमवार के दिन आप नहा धो के तैयार हो जाएं। हमारी बेटियों को कह रही हूँ मैं कि वो नहा धो के तैयार हो जाएं, और अगर उनकी मम्मी भी करती हैं तो भी सब नहा धो के तैयार हो जाएं। और फिर उसके बाद से भगवान शिव के मंदिर जाएं तो पूजा करें। और मान लीजिए अगर भगवान शिव का मंदिर आपके आसपास नहीं है तो आपको घर में ही भगवान की पूजा करनी है। अगर शिवलिंग है आपके घर में तो आप वहाँ दूध, जल और उसमें चीनी डालें। चीनी ना हो तो मिश्री डालें, मिश्री ना हो तो चीनी डालें, दोनों में से कोई एक चीज़ जरूर डालें। वो मीठा दूध आप भगवान शिव को अर्पित करें। और मान लीजिए शिवलिंग नहीं है आपके घर, तो फिर आप उनके सामने एक प्रसाद की तरह रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और आपको पहले दिन जो भगवान शिव की पूजा से पहले दिन शाम को आप मंगवा लीजिए, 5 केले मंगवा लीजिए। वो 5 केले अगर तो आप मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में अर्पित करके आइए भगवान शिव को। और अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो उनकी प्रतिमा है तो भगवान शिव माता पार्वती की, और अगर तस्वीर है, मानचित्र है तो उनके आगे वो अर्पित कर दीजिए। अब मंदिर में आपने जो अर्पित किए हैं वो तो वहीं रह जाते हैं, पुजारी जी वो लोगों में प्रसाद बांट देते हैं। अब आपके जो घर में है, तो अगर आप मंदिर नहीं जा पाए हैं, मंदिर है तो मंदिर में दे आइए उन 5 केलों को, वहाँ वो वितरित कर देंगे पंडित जी। और मान लीजिए मंदिर है ही नहीं और आपने भगवान के आगे चढ़ा दिए केले, तो आप छोटे बच्चों में वो केला वितरित कर दें, 5 केले आप वितरित कर दें। और जब आप पूजा करें, घी का दीप जलाएं, भगवान शिव को धूप दिखाएं, सब कुछ करें आप जो जैसी पूजा होती है, और मीठा जो जल है वो अर्पित करें उनको, उसे आप प्रसाद के रूप में थोड़ा वो दूध चीनी जल थोड़ा सा जो है वो आप ले सकते हैं अगर शिवलिंग नहीं है, नहीं चढ़ा पाते हैं तो। अब आप क्या करेंगे कि
जो भगवान के आगे आपने केले चढ़ाए हैं, उसके बाद से आपने जो आरती करी है, पूजा करी है, सब कुछ किया है आपने, उसके बाद आप कहेंगे कि हमारी तो पूजा ख़त्म हो गई है। लेकिन नहीं, पूजा यहाँ ख़त्म नहीं होती है। मैं आपको जो बेनिफिट का टिप्स बताने वाली हूँ वो यही है कि आप प्रार्थना करते हैं भगवान के आगे, शिव के आगे, विष्णु भगवान के आगे, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी, जिस भी धर्म को मानते हैं वहाँ प्रार्थना करते हैं। हमेशा सभी लोग एक ही बात कहते हैं, भगवान मेरा स्वास्थ्य अच्छा करना, भगवान मुझे संतान देना, भगवान मुझे विद्या देना, मुझे सफलता देना, भगवान मुझे धन देना, भगवान मेरी शादी जल्दी हो जाए, मुझे अच्छा घर पर मिल जाए। क्या कभी आपने ये कहा है कि भगवान मेरी जो बहनें और भी हैं जो इन बातों से परेशान हैं, जो दुखी हैं, उनको पहले देना, मुझे बाद में देना, उनकी मनोकामना पहले पूर्ण करने का, उनको अच्छा घर पर पहले मिले, मुझे बाद में मिले। आप ये वाइब्रेशन एक बार भगवान शिव को भेज के तो देखिए, देखिए फिर वो वाइब्रेशन आपके पास लौट के कितनी जल्दी आती है, कितनी जल्दी आपके लिए रिश्ता तय होता है, कितनी जल्दी आपके लिए रिश्ते आते हैं, कितनी जल्दी आपकी शादी ब्याह हो जाता है, कितना अच्छा जीवन साथी आपको मिलता है। आप ये करके देखिए, एक बार कहिए भगवान शिव के आगे कि भगवान मेरी जो बहनें हैं वो मेरी तरह बहुत परेशान हैं, उनको भी अच्छा घर बार मिले, मेरे से पहले मिले, मेरे को बाद में मिले, मेरे से पहले उनको मिले, है ना, वो भी मेरी तरह दुखी हैं। तो आप ये कह के देखिए भगवान शिव के आगे, आप भेजिए ये वाइब्रेशन, देखिए शिव भगवान के आगे गई हुई वाइब्रेशन आपके पास वापस लौट के कैसे आएगी। आप जानते हैं कि दूसरों के हित की बात करना कितना ज़रूरी है हम इंसानों के लिए। खुद के लिए तो सभी लालच और स्वार्थ से बात करते हैं, लेकिन हम दूसरों के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ईश्वर यही चाहते हैं कि जो इंसान है वो दूसरों के जन कल्याण की कितनी बात करता है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, दूसरी बेटियों को भी शेयर करें, आप भी पुण्य के भागी बने। और मैं आज फिर कहूँगी कि हमारी उन बेटियों को आप शेयर करें जो परेशान हैं, आप उनका पुण्य लीजिए और वो भी इस परेशानी से मुक्त हों, उनको भी अच्छा घर पर मिले। उनको भी ये बात बताइए कि वो किस तरह से पूजा करें और किस तरह से अपनी वाइब्रेशन भगवान शिव को भेजें। तो आप करिए ये काम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आपको इसी तरह की वीडियो लगातार मिलते रहें। तो भगवान भोले बाबा से सभी बेटियों के शीघ्र मनोकामना पूर्ण होने की कामना करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी बेटियाँ हमारी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।